इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, हमने इनका कॉमन सॉल्यूशन ग्राफ पेपर के ऊपर बाय शेडिंग रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम 1 का नाम देंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन रिप्लेस करेंगे। अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है तो इसको कन्वर्ट करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को हम 12 से डिवाइड करेंगे। फोर एक्स ओवर 12 माइनस 3y ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12, क्योंकि 4 3 टाइम्स 12 होता है तो x के नीचे 3 आ जाएगा, माइनस 3 4 टाइम्स 12 तो y ओवर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 ओवर 12 1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएं तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर हम कंपेयर करें तो x के नीचे a है, यहाँ पर x के नीचे 3 है, तो x इंटरसेप्ट आएगा हमारे पास 3 और पॉइंट a आएगा 3 0, क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट 3 है तो y 0 होगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट, क्योंकि y के नीचे -4 है तो -4 आएगा और पॉइंट b बनेगा 0 -4। अब हमने इस इनइक्वालिटी का बिहेवियर एट टेस्ट पॉइंट ओरिजिन 0 0 चेक करना है। एट टेस्ट पॉइंट ओरिजिन यानी के 0 0 इनइक्वालिटी 1 इंप्लाइज दैट x की जगह भी हम 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो 4 × 0 - 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 12। 4 × 0 0 होता है, -3 × 0 भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 - 0 0 बनता है और 0 स्मॉलर होता है 12 से, तो ये ट्रू आ गया। सो इट मीन्स दैट ग्राफ ऑफ 1 इज क्लोज्ड हाफ प्लेन lies on the origin side of line 4x minus 3y is equal to 12। यानी कि इस inequality का graph इस line से origin की तरफ होगा, तो आइए इसका graph draw करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है तो हम ओरिजिन के राइट साइड पर 3 स्टेप काउंट करते हैं और पॉइंट मेंशन करते हैं a 3 0। इसी तरह क्योंकि y इंटरसेप्ट -4 है तो हम ओरिजिन के नीचे 4 स्टेप काउंट करते हैं और पॉइंट मेंशन करते हैं b 0 -4। अब इन दोनों पॉइंट्स a और b को मिला देंगे तो हमें लाइन ऑफ इक्वेशन 4x - 3y = 12 हासिल हो जाएगी। अब क्योंकि इस इनइक्वालिटी का बिहेवियर एट टेस्ट पॉइंट ओरिजिन ट्रू था, सो इसको हम शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इस तरह हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, इसको हम 2 का नाम देते हैं और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू -3/2। अब क्योंकि इस इक्वेशन में y इन्वॉल्व नहीं है सो ये y इंटरसेप्ट नहीं करेगी और ये पैरेलल होगी y एक्सिस के, और इसमें x इंटरसेप्ट आएगा -3/2 और पॉइंट c बनेगा -3/2 0। अब एट टेस्ट पॉइंट 0 0 इस इनइक्वालिटी का बिहेवियर चेक करना है, तो एट टेस्ट पॉइंट 0 0 2 इंप्लाइज दैट x की जगह हम 0 लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब क्योंकि 0 ग्रेटर होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से तो ये ट्रू आ जाएगा।
So graph of 2 is closed half plane lies on origin side of line x is equal to -3/2. So इस इनइक्वालिटी का ग्राफ इस लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा, तो आइए इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्योंकि x इंटरसेप्ट -3/2 है, तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर डेढ़ स्टेप काउंट करते हैं और पॉइंट मेंशन करते हैं C -3/2 0। अब हमने, क्योंकि इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है और इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, सो एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस और इसको हम इस पॉइंट C से पास करते हुए गुजार देंगे। अब क्योंकि इस इनइक्वालिटी का बिहेवियर अटेस्ट पॉइंट ओरिजिन 2 था, सो इसको हम शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इस तरह हमारा सेकंड इनइक्वालिटी का भी ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ ओवरलैप कर रहा है, तो जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा और हम इसको इस तरह शेड कर देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।